तो गाइज अभी स्टार एग्जाम 4 नवंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, उनका रिव्यू इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूं जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं। अगर आपका एग्जाम कल, परसों, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन यानी 8 नवंबर तक है तो इन सवालों को रट जाना, याद कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, रिपीट होंगे। और फर्स्ट शिफ्ट वाले सवालों को अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख लेना, ओके। और जो लोग बोल रहे थे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा मैं अच्छे से मांग रहा हूं लोगों से, और उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपलोड कर दूंगा रात तक, ओके। चलो अब अभी देख लेते हैं सवालों को। पहला है, विनर ऑफ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, विमेंस वर्ल्ड कप, ये हुआ था मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था, और विनर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, जो कि विमेंस क्रिकेट टीम है, वो बनी थी, और ऑस्ट्रेलिया में ही ये आयोजित किया गया था। तो इन केस अगर आपके एग्जाम में आयोजन का पूछा जाए तो आप जवाब दे देना ऑस्ट्रेलिया के रूप में, ओके। चलो दूसरा, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी 2020 में, तो फिल्म फेयर अवार्ड हमेशा होते हैं, तो इस बार जो है यानी 2020 में गली बॉय मूवी को बेस्ट मूवी का दर्जा मिला, बेस्ट मूवी का खिताब मिला, ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट है हमारा, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर स्थित है, यानी नागार्जुन सागर जो बांध है ये किस नदी पर स्थित है, ये सवाल भी पूछा गया था, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी सवाल पूछा गया था, ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा अशोक गहलोत, अशोक गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अभी करंट मुख्यमंत्री यही है। एक और चीज आपको बता दूं, राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट सवाल, सिनोनियम्स ऑफ विनिवोलेंट, विनिवोलेंट का ये सिनोनियम्स पूछा गया था, तो ये हो जाता है बेनिफिशियंट, तो ये हो जाएगा, अगर कुछ और हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा टिक किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि ऑप्शन क्या है, और बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं एक वर्ड के। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ये भी था कि बिगेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड, मस्जिद अल हराम जो कि मक्का में है, ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, ओके, याद रख लेना। आगे वॉइस और नरेशन था, जो कि बहुत इजी था, आराम से आप कर सकते हो, और वॉइस नरेशन में दिक्कत नहीं होती है, एयरफोर्स का एग्जाम मैंने भी दिया है तो मुझे पता है, ये दो नंबर आपके डेफिनेटली कंफर्म होते हैं अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो, या फिर थोड़ी भी रूल्स आपको पता है तो, या फिर आप इलिमिनेशन जानते हैं तो, इलिमिनेशन मीन्स क्वेश्चन को कैसे इलिमिनेट करना है, जो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं तो वो आप जानते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं। प्रीपोजिशन में क्या था भाई, प्रीपोजिशन में था आफ्टर सुपीरियर के बाद क्या आएगा, ये था, और आफ्टर डिफरेंट, ये दोनों थे कि इनके बाद क्या आएगा, तो आफ्टर सुपीरियर जो है वो आता है टू, और अगर बात करें आफ्टर डिफरेंट तो वो आ जाता है फ्रॉम, ये सिंपल याद रखो, और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको टिक कर देना, आफ्टर सुपीरियर टू आ जाएगा और आफ्टर डिफरेंट फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग में ये वेरिटी थी, अब पता नहीं कैसे स्पेलिंग दिए गए थे लेकिन यही था, बहुत ही इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। शुरू में मैंने बताया था बेनिफिटेड शायद आया था जो शिफ्ट वन था उसमें करेक्ट स्पेलिंग के लिए, तो एक पूछा जा रहा है करेक्ट स्पेलिंग से, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य किस रिवर के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य है। एकलव्य पुरस्कार का विजेता कौन है, तो रंजन एस सेट्टी, अब पता नहीं ऑप्शन अलग हो सकते हैं, अब क्या पूछा कैसे पूछा गया लेकिन अगर अभी की करंट की बात करें तो एकलव्य पुरस्कार के विजेता रंजन एस सेट्टी, खो खो के खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, पता नहीं कौन सा सवाल था लेकिन ये पता है। डेलिकेट का सिनोनियम्स, तो डेलिकेट का होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो होता है ना उसे हम डेलिकेट बोलते हैं, डेलिकेट बेबी हम बोलते हैं ना, किसी को चिढ़ाने के लिए भी बोल सकते हैं डेलिकेट बेबी, यू आर डेलिकेट बेबी, तो वही हो जाता है फ्रेगाइल, फ्रेल, सेंसिटिव, ये हो जाता है डेलिकेट का। नेक्स्ट, एंटोनियम्स ऑफ इरिडिकेट, इरिडिकेट का हो जाता है वाइप आउट,
ओके अगला बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो ये हो जाएगा शेख हसीना। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और ढाका यहाँ की कैपिटल है, यानी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और टका यहाँ का रुपया, जैसे हमारे यहाँ का रुपया होता है वैसे वहां की मुद्रा जो है वो टका है, तो टका वहां की मुद्रा, ढाका वहां का कैपिटल और शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर। एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ये भी आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन है, अगर नहीं पता तो रिसर्च करो और कमेंट सेक्शन में जवाब देना। आगे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर हैंडल कर रहे हैं मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा जी को हाल ही में वहां का राज्यपाल बनाया गया। दीव की राजधानी या फिर मुद्रा से एक सवाल था, जो भी हो मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन यहां पे मैंने मुद्रा लिख लिया है तो ये मालदीवियन रुपया हो जाता है और माले जो है ये यहाँ की राजधानी होती है यानी कैपिटल होती है, तो दोनों याद रखना आप। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाता है हमारा वीनस, यानी जो हमारा शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है शुक्र को। तो गाइज ये हमारे पास अभी क्वेश्चन आए थे 20 जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिए, 20 तो ऐसे बता रहा हूं लेकिन और भी क्वेश्चन थे, उसके बाद थोड़ा सा अगर बता दूं आपको एग्जाम के लेवल के बारे में, तो ये इजी टू मॉडरेट एग्जाम है, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 8 महीने तैयारी की है और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफी इजी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, आप इजीली इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और काफी अच्छा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वाई ग्रुप में तो ऐसे भी लोग हैं जो कि 40 प्लस करके आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अब कट ऑफ का क्या होता है, वो तो आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नेक्स्ट रिव्यू के साथ आपके साथ मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियोस को देखते रहो और याद करते रहो। थैंक यू सो मच।